नमस्कार दोस्तों, कल के वीडियो में आपने देखा कि प्लांट पैथोलॉजी के बारे में चर्चा की गई। आज उसी वीडियो को हम नए रूप में लेकर आए हैं, इसमें माइक्रोबायोलॉजी के बारे में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी में शुरू होता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसमें शुरू करते हैं फंजाई से। फंगस जो हैं वो दो तरह से होते हैं, सेप्रोफाइट फंगस होते हैं, पैरासाइट फंगस होते हैं। सो इस चर्चा को हम आगे भी बताएंगे, बट शुरू होता है स्टार्ट हाइफा। हाइफा को डिफिनेशन, ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफा, आर यूनिट ऑफ माइसिलियम इज नोन एज हाइफा। हाइफा जो है ये माइसिलियम की एक इकाई है, अथवा ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे नुमा संरचना जो दिखाई दे रही है उसी को क्या कहते हैं हम, हाइफा कहते हैं। ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफा। हाइफा का फिगर आपके सामने दिखाई, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, धागे नुमा संरचना, इसी को हम बोलते हैं हाइफा। तो ये हाइफा डिफिनेशन। बट माइसिलियम एक ग्रुप ऑफ हाइफा, एक ग्रुप ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसिलियम। ये ही जब हाइफा ग्रुप में हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, माइसिलियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए पेन है, तो पेन अगर सिंगल होगी तो इसको हम पेन के रूप में कहेंगे, बट यही पेन बहुत सारा गट्ठर के रूप में हो जाए तो हम इसको पेन न करके गट्ठर के रूप में कहते हैं, क्योंकि इसकी संख्या बढ़ जाती है। उसी तरह माइसिलियम जो होता है उसमें हाइफा की संख्या बढ़ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, माइसिलियम कहते हैं। तो ए ग्रुप ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसिलियम। अब माइसिलियम इज ए टू टाइप, फर्स्ट ए सेप्टेड माइसिलियम एंड सेकेंड सेप्टेड माइसिलियम। ए सेप्टेड माइसिलियम आल्सो कॉल्ड सिनोसिटिक माइसिलियम, उसी को हम सिनोसिटिक माइसिलियम भी कहते हैं, क्योंकि सिनोसिटिक जो माइसिलियम होता है उसमें सेप्टा नहीं होता, सेप्टा नहीं पाए जाते, इस तरह के माइसिलियम को हम ए सेप्टेड माइसिलियम कहते हैं। ए सेप्टेड माइसिलियम सेप्टा आर अब्सेंट, सेप्टा आर नॉट प्रेजेंट, आर सेप्टा आर नॉट फॉर्मेड, कई डिफिनेशन के होते हैं, सेप्टा आर अब्सेंट, सेप्टा नहीं पाया जाता है, उस तरह के माइसिलियम को हम कहते हैं एसेप्टेड माइसिलियम। सेप्टा आर अब्सेंट इट इज कॉल्ड एसेप्टेड माइसिलियम, आल्सो कॉल्ड सिनोसिटिक माइसिलियम, बिकॉज इन हाइफा प्रोड्यूस ए मेनी ऑर्गेनिज्म मूवमेंट लोअर टू अपर पोर्शन, इट इज कॉल्ड सिनोसिटिक माइसिलियम। सेप्टेड माइसिलियम सेप्टा आर प्रेजेंट इन इंटरवल पोजीशन, सेप्टा जगह जगह पाया जाता है, या क्रॉस वॉल प्रेजेंट, सेप्टा को हम क्रॉस वॉल भी कहते हैं, क्रॉस वॉल आर प्रेजेंट इट इज कॉल्ड सेप्टेड माइसिलियम। जब क्रॉस वॉल जगह जगह पाया जाए उस तरह के माइसिलियम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेप्टेड माइसिलियम। क्रॉस वॉल आर प्रेजेंट इट इज कॉल्ड सेप्टेड माइसिलियम। अब सेप्टेड माइसिलियम जो सेप्टेड माइसिलियम, उसमें सेप्टा जगह जगह बने रहेंगे, उस तरह के माइसिलियम को हम सेप्टेड माइसिलियम कहते हैं। इसमें देखिए दिखाई दे रहा है, कैन बी सीन कि सेप्टा जगह जगह बने हैं, इस तरह के माइसिलियम को हम सेप्टेड माइसिलियम कहते हैं। अब सेप्टेड माइसिलियम इज ए टू टाइप, फर्स्ट इंटरसेलुलर माइसिलियम, दूसरा होता है इंट्रासेलुलर माइसिलियम। इंटरसेलुलर माइसिलियम जो होता है कि माइसिलियम आर लोकेटेड बिटवीन द सेल, जब माइसिलियम दो होस्ट सेल के बीच में पाया जाए तो उस तरह के माइसिलियम को हम इंटरसेलुलर माइसिलियम कहते हैं। कि माइसिलियम आर लोकेटेड बिटवीन द सेल, दो होस्ट सेल, जैसे आपकी एक ए होस्ट सेल है और एक ए होस्ट सेल है, इसके बीच में अगर माइसिलियम रन कर रहा है, इस तरह कोई माइसिलियम इसके रन कर रहा है, तो इस तरह के माइसिलियम को हम कहते हैं कि इंटरसेलुलर माइसिलियम। माइसिलियम आर लोकेटेड बिटवीन द होस्ट सेल, बिटवीन द इट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर माइसिलियम। इंट्रासेलुलर माइसिलियम, माइसिलियम आर लोकेटेड बिटवीन द सेल, जब सेल के अंदर माइसिलियम पाया जाता है तो उस कंडीशन को हम इंट्रासेलुलर माइसिलियम कहते हैं। माइसिलियम आर लोकेटेड बिटवीन द सेल नहीं, माइसिलियम आर लोकेटेड विद इन द सेल, जैसे आपकी ये होस्ट सेल है, अब इस होस्ट सेल के अंदर जब माइसिलियम रन करना शुरू करेगा तो इस तरह के माइसिलियम को हम कहते हैं कि इंट्रासेलुलर माइसिलियम। इंट्रासेलुलर माइसिलियम, अब
क्लियर हुआ कि माइसिलियम आर लोकेटेड बिटवीन द सेल, इंटरसेलुलर माइसिलियम, माइसिलियम आर लोकेटेड विद इन द सेल, इट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर माइसिलियम। जरा इधर मान दिए, देखिए सेप्टेड माइसिलियम क्या है, सेप्टेड माइसिलियम भी दो तरह के होते हैं, होता है एक होता है इक्टोफाइटिंग माइसिलियम और सेकेंड एंडोफाइटिंग माइसिलियम। इक्टोफाइटिंग माइसिलियम किसे कहते हैं कि माइसिलियम आर कैन अपर सरफेस ऑफ द लीफ होस्ट फ्रूट स्टेम, जब फंगस पत्ती के ऊपरी भाग पे दिखाई देने लगे, स्टेम पे दिखाई देने लगे, लीफ पे दिखाई देने लगे, तो उस तरह के माइसिलियम को हम कहते हैं इक्टोफाइटिंग माइसिलियम। माइसिलियम आर कैन बी सीन अपर सरफेस ऑफ लीफ, पत्ती के ऊपरी भाग पे जब फंगस, जैसे आपकी ये लीफ है, अब लीफ के ऊपर फंगस दिखाई देने लगेंगे, तो इस तरह के माइसिलियम को हम कहते हैं इक्टोफाइटिंग माइसिलियम। जिसमें आपने देखा होगा पाउडीमिड्यू डी आती है, पाउडीमिड्यू में बटर खेत में आप देखिए सफेद व्हाइट व्हाइट माइसिलियम दिखाई देता है, ऐसे हाथ से आप अगर टच करना चाहेंगे तो आपके उंगली में फंगस लग जाएगा, उस तरह के माइसिलियम को हम कहते हैं इक्टोफाइटिक माइसिलियम। और दूसरा होता है इंडोफाइटिक माइसिलियम, माइसिलियम आर गोज विद इन द होस्ट सेल, माइसिलियम जब होस्ट के अंदर हो, पत्ती के अंदर हो, लीफ के अंदर हो, स्टेम फ्रूट के अंदर हो, उस तरह के माइसिलियम को हम कहते हैं इंडोफाइटिक माइसिलियम। बहुत सारे जितने भी एग्जांपल हैं, सब अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा, फ्यूजेरियम, सब जितने भी फाइटोथोरा, एल्बिगो, जितने भी हैं सब इंडोफाइटिक माइसिलियम के अंतर्गत आते हैं। ओनली पाउडीमिड्यू को छोड़ दिया जाए तो जितने भी फंगस बनते हैं सब में इंडोफाइटिक माइसिलियम बनता है। तो आपने इसमें सीखा कि हाइफा किसे कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफा, माइसिलियम ए ग्रुप ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसिलियम, माइसिलियम ये टू टाइप, एसेप्टेड माइसिलियम, सेप्टेड माइसिलियम, एसेप्टेड माइसिलियम में सेप्टा आर अब्सेंट इट इज कॉल्ड एसेप्टेड माइसिलियम, सेप्टा आर प्रेजेंट इट इज कॉल्ड सेप्टेड माइसिलियम, एसेप्टेड माइसिलियम में इक्टोफाइटिंग माइसिलियम दोनों तरह होते हैं, इक्टोफाइटिंग इंडोफाइटिंग, उसमें भी सेप्टेड भी होते हैं इक्टोफाइटिंग इंडोफाइटिंग, तो इक्टोफाइटिंग माइसिलियम कैन बी सीन अपर सरफेस ऑफ द लीफ, इट इज कॉल्ड इक्टोफाइटिंग माइसिलियम। इंडोफाइटिंग माइसिलियम, माइसिलियम गोज इन इंटरनल सरफेस ऑफ द होस्ट, इट इज कॉल्ड इंडोफाइटिंग माइसिलियम। इंटरसेलुलर माइसिलियम, माइसिलियम आर लोकेटेड बिटवीन द होस्ट सेल, जब माइसिलियम होस्ट सेल के बीच में हो तो इंटरसेलुलर, और इंट्रासेलुलर सॉरी इंटरसेलुलर माइसिलियम आर लोकेटेड बिटवीन द सेल, माइसिलियम आर लोकेटेड विद इन द सेल, इंट्रासेलुलर माइसिलियम। अब उसमें बहुत सारे फंगस हमने जैसे देखिए नीचे लिखा है एक्सेप्टेड माइसिलियम, माइसिलियम आर प्रेजेंट होगा सब। अब इसके बाद बहुत सारे फंगस आते हैं कि जिसमें माइसिलियम अधिकतर एक्सेप्टेड बनते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे सब डिवीजन है जिसमें माइसिलियम एक्सेप्टेड बनते हैं, जैसे मैस्टिगोमाइकोटिना, मैस्टिगोमाइकोटिना में जितने भी मैक्सिमम फंगस हैं सब एसेप्टेड माइसिलियम बनता है, जाइगोमाइकोटिना सब डिवीजन, जाइगोमाइकोटिना में जितने भी फंगस हैं उसमें अधिकतर एसेप्टेड ही माइसिलियम बनता है। अब सेप्टेड माइसिलियम बनेगा किसमें, एस्कोमाइकोटिना में सेप्टेड माइसिलियम बनता है, बेसिडियोमाइकोटिना में सेप्टेड माइसिलियम बनता है, डिट्रोमाइकोटिना में सेप्टेड माइसिलियम बनते हैं। ये पांच सब डिवीजन है जिसमें आपको आगे बताया जाएगा कि पूरे फंजाई को पांच सब डिवीजन बांटा गया है, जिसमें मैस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड डिट्रोमाइकोटिना। तो फर्स्ट ओनली मैस्टिगोमाइकोटिना एंड जाइगोमाइकोटिना इन प्रेजेंट एसेप्टेड माइसिलियम, एंड बेसिडियो एस्को बेसिडियो एंड डिट्रो में जो प्रेजेंट सेप्टेड माइसिलियम। थैंक यू।